हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे Alt प्लस बैक स्पेस कमांड का। इसका जो पर्पज़ क्या होता है और क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की जो शॉर्टकट की होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है जल्दी काम करने के लिए, कम समय में काम करने के लिए। हमें शॉर्टकट की के माध्यम से ही हमें काम अच्छे से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे Alt प्लस बैक स्पेस का, कि इसका जो उद्देश्य होता है किसी भी कमांड जो होता है उसमें जो राइट क्लिक करने पे जो मेनू बार आते हैं उसको डायरेक्ट ओपन कर देते हैं Alt प्लस स्पेस करने पे। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसा फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे पता चले, यह एक मेनू बार ओपन करता है Alt प्लस बैक स्पेस क्लिक करने पे। तो चलिए Alt प्लस बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें एक मेनू बार मिल जाता है, एक नया मेनू बार मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं Alt प्लस बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बार है अभी अभी जनरेट हुआ है। मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये मूव का पोजिशन आ गया है। फिर से Alt प्लस बैक स्पेस करेंगे, अगर साइज़ को मेंटेन करना है तो साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से Alt प्लस एस स्पेस करेंगे, मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। Alt प्लस बैक स्पेस करके फिर से हम जो है मैक्सिमाइज़ करना है तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मेनू बार को ओपन करने के लिए Alt प्लस बैक स्पेस किया जाता है, जिससे हमें मेनू बार इस तरीके से मेनू बार हमें मिल जाता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो है वर्क के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।